लक्सर उत्तराखंड में भारतीय किसान संघ के प्रदेश कोषाध्यक्ष खुशपाल सिंह की अगुवाई में संघ के कार्यकर्ताओं ने ऊर्जा निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए बिजली घर पर हंगामा करते हुए धरना दिया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि 2 अक्टूबर को दिन में 12 बजे भोरना गांव निवासी अनुज के खेत में लाइन से बिजली के तार काट दिए गए हैं। उसके बाद ग्रामीण बिजली घर गए तो बिजली विभाग के कर्मचारियों का कहना था कि वहां से कोई भी रोस्टिंग नहीं की गई है। वहीं इसके बाद उन्होंने लक्सर कोतवाली पहुंचकर इसकी जानकारी कोतवाली पुलिस को दी। इसके बाद चेतक पुलिसकर्मी मौके पर आए तो देखा कि तार चोरी किए गए थे, जिसके चलते वे शाम के समय एक बार फिर बिजली घर पहुंचे तो बिजली विभाग के कर्मचारियों का कहना था कि भुरना की कोई भी कटौती नहीं की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिजली विभाग के कर्मचारियों ने गलत तरीके से उनसे रजिस्टर छुपाया। ऐसी इसमें कोई नहीं थी। अचानक ही बिजली गांव भोड़ने से तार कटे, इससे पहले 5-6 दिन पहले शेखपुरी गांव से तार कटे, तो मैं जब भोड़ने के में 12 बजे तार कटे, ये इनका मतलब घर में एक बुजुर्ग की मतलब मर गए, तो ये उस चक्कर में लग गए, इनको पता लगा 4 बजे जाके पता लगा तुम्हारे तार कट गए। तो जब ये तार कटे तो बिजली घर आए, बिजली घर वालों ने कहा हम 8-8 दिनों को हमें तो पता ही नहीं ना, हमने रोस्टिंग की ना कुछ किया। फिर ये पुलिस में गए, पुलिस में जब जाकर कोतवाल साहब ने मैं 4 आदमी, 2 आदमी चेतक वाले भेजे, मैं वहां की ना पूरी फोटोग्राफी ले आई। इसके बाद फिर मैंने कहा भाई तुम जाओ वहां बिजली घर में और उसके रजिस्टर के ना साइन करा के लाओ वहां से, मतलब देखो उस पर रोस्टिंग। तो जब यहाँ आए फोटो था, उसने मना कर दी। भाई क्यों मना करा? मैं फिर यहाँ से आठ कर मैंने कहा भाई क्यों मना करा? उसने कहा जी मुझे जी ने कहा अगर इस पर रोस्टिंग करा। कैसा रोस्टिंग? 12 बजे का रोस्टिंग तो 5 बजे चढ़ाएगा, तेरे बाप की आग नहीं है मतलब चढ़ा। हमने फिर वो धमकाया, धमकाने के बावजूद हमने कहा कल को हम धरना देंगे। तो इसमें जो तार कट रहे हैं ना, ये और कोई चोर नहीं, सिर्फ SDO और JJE बड़े अधिकारी। अब बड़ा तो एक्शन साहब तो अभी आए हैं 2-3 महीने तक, उन्हें तो पता ही नहीं के बारे में क्या करते हैं। ये कहीं के तार कहीं और कहीं के तार कहीं, क्योंकि तार काट काट कर नहीं अपना बेच रहे इनकी मतलब माफियाओं से, और जो तोड़ तार चोर है उनसे इनकी मतलब सेटिंग है, और ये वहां से तार बेच रहे हैं। तो इसमें SDO और जो बात SDO तो करते हैं, तो SDO अभद्र भाषा का प्रयोग करता, मतलब अभद्र भाषा, क्योंकि कई साल हो गए, तो 8 साल हो गए जो यहाँ पर जमा ही पड़ा, इसके बाप की आग नहीं 8 साल तो यहाँ जमा पड़ा। भाई ये कहीं और भी जा सका? मांग क्या आपकी? मांग ये हमारी है, हमारी तार क्यों काटते हैं? हमारी मतलब तार में लगने चाहिए तुरंत, SDO के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।